बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कई तरह के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी इस दौड़ में शामिल हो गया है, लेकिन उनका नाम यहाँ की मतदाता सूची में ही नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर नए नए कयास लगना भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम मतदाता सूची में नहीं है, जबकि उनका नाम इस बार के प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी के लिए सुनने में आ रहा है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि नंदकुमार सिंह चौहान दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इसी को लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी हितेश वाजपेयी का कहना है कि सारी प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के मामले पर वो कुछ साफ नहीं बोले और इसे भी प्रक्रिया के तहत बता दिया। भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, जो मतदाता है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए, वो फिक्स है। हर जिले से हमारे जो प्रदेश के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, हर विधानसभा से 46 जिलों में हमारा निर्वाचन हुआ है, तो वो लोग रहेंगे। और उसके साथ साथ जो विधायक दल के 17 प्रतिनिधि हैं और संसदीय दल के 3 प्रतिनिधि हैं, ये निर्वाचन में भाग लेंगे। और हर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो नामांकन पत्र भरेगा, 2 नामांकन पत्र उसके द्वारा भरे जाएंगे, एक में 12 प्रस्तावक रहेंगे, न्यूनतम जो संख्या रखी हुई है, और नामांकन होगा। नामांकन के पश्चात नामांकन पत्रों की जाँच होगी और जांच के पश्चात फिर वापसी का समय होगा। और यदि एक ही नामांकन निकल कर आता है तो उम्मीद करें कि उसी दिन शाम को आपको आपका संदेश मिल जाएगा, अन्यथा 5 तारीख को सुबह 11 बजे से प्रदेश अध्यक्ष के लिए मतदान होगा। अब चुनाव नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ताज किसके सर पर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, भोपाल।